अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ एक्सरसाइज 4.2। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में वो हमें दो एक्सप्रेशंस दे रहा है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ऑल दो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि दो ब्रैकेट्स के जब विदाउट एनी साइन होती हैं तो वो क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेशन। सो दो एक्सप्रेशंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें फाइंड द प्रोडक्ट। अब बज़ाहिर हम देखें कि दो ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है, तो अगर आप इनको एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करवाने जाएंगे तो प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ऐसी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस को करने के लिए हमारे पास, हमने पीछे अभी स्टडी किए हैं, लर्न किए हैं फार्मूलाज। हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज जो हैं वो देखे थे, उसमें कुछ हमारे पास स्क्वायर के फार्मूलाज थे और कुछ क्या थे, हमारे पास क्यूब के फार्मूलाज थे। तो प्रोडक्ट का मतलब हमने देख लिया अभी कि क्या मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर। अगर आपके पास कोई नंबर है 12, तो इसके क्या फैक्टर्स होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और यू कैन से 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये दो जो हैं वो फैक्टर्स हैं किसके, इस नंबर के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 12 के इक्वल। और 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 6 एंड 2। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में किसी प्रोडक्ट के दो फैक्टर्स दे दिए हैं, तो अब हमने क्या करना है, इन दो फैक्टर्स की मदद से हमने वो नंबर या वो प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसको अगर मज़ीद मैं इजी फॉर्म में पहले आपको समझा दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे दो टर्म्स राइट करूँ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है इन दोनों की क्या आएगी, तो आप सिंपली क्विकली मुझे ये आंसर दे सकते हैं कि ये दो ब्रैकेट्स जो हैं वो बराबर हैं किसके, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। क्योंकि आपने अभी ये क्वेश्चन जो है, फॉर्मूला जो है, वो प्रीवियस क्वेश्चन ने सॉल्व किया है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, इसकी फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई है, उसकी नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर और सेकेंड टर्म का स्क्वेयर है, और यही दोनों टर्म्स प्लस के साथ प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ज्वाइंट हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल। यानी कि हम सिंपली क्या करते हैं कि जो एक्स और वाई की टर्म्स हैं उनका हम क्यूब लेके जो साइन होता है वही साइन हम राइट कर देते हैं। मतलब लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए क्या है, हम ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं। अब हमने देखा कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें भी हमें कुछ इसी किस्म का पैटर्न गिवन है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है उसमें कि हमारे पास यहाँ पर ये जो फार्मूला था जनरल फार्मूला, इसमें यहाँ हमारे पास पावर 1 के साथ है। यानी कि जो टर्म्स यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में उनकी पावर यहाँ 1 थी, लेकिन अब यहाँ क्या है, पावर डबल हो गई है। अब पावर डबल होने की वजह से क्या होगा कि जब हम एक्स स्क्वायर का नेक्स्ट ब्रैकेट में स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बनेगा, ऑब्वियसली एक्स 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्स 1 था, नेक्स्ट में वो जाके उसका जो स्क्वायर लिया था वो क्या बना, एक्स स्क्वायर बन गया। और जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बनेगा, एक्स 4। और जब आप सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो वो लास्ट टर्म बनेगी एक्स वाई 4, राइट। और मिडल में आपको पता है कि दोनों टर्म्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट करवा देते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, क्वेश्चन में भी उन्होंने देखे हमें क्या किया, वह दोनों टर्म जो फर्स्ट ब्रैकेट में थी उन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है। डेट मीन्स कि हम इस फॉर्म को इसकी इस फॉर्म की तरह क्यूब्स में राइट करवा सकते हैं। हमने अपनी तमाम टर्म्स को कंप्लीट किया, यहाँ देखा कि ये पूरे का पूरा क्वेश्चन सेम इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हमने अब क्या करना है, इसको भी क्यूब के फॉर्म में राइट कर देना है डायरेक्टली। ये बनेगा एक्स स्क्वायर का क्यूब एंड वाई स्क्वायर का क्यूब। अगर हमारी टर्म्स पूरी हो रही हैं जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और हमें पता है कि ये वाली फॉर्म जो है हम इसके इक्वल राइट कर सकते हैं, तो हम इसको इसके इक्वल भी राइट कर सकते हैं। हमें इन क्वेश्चन में लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं जाना कि हम इसकी एक्स स्क्वायर को इस हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, वाई स्क्वायर को इस हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अगर आप पैसे करवाएंगे भी तब भी आपके पास फाइनल आंसर यही आएगा जो हमारे पास डायरेक्टली हम राइट कर रहे हैं। हम यहाँ दरमियान लिखेंगे बाई यूजिंग फार्मूला, ये राइट करने के बाद बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये वाला x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसको क्लोज फॉर्म में राइट कर दिया। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर क्या बनेगा, जब क्यूब स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा यानी कि दो पावर्स अ बेटर टाइम ऊपर नीचे आ रही हैं, जब ये दोनों हम आपस में सॉल्व करवाएंगे तो हमें पता है भाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के दो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 2 6 6 एंड यहाँ पे भी बाई 2 3 6, ये हमारा फाइनल आंसर है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएँ तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। ये फॉर्मूला एक्चुअली ड्राइव हुआ हुआ है, इन तमाम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के ही ये फॉर्मूला डायरेक्ट जो है वो आपके पास नज़र आ रहा है। इसकी फॉर्मेशन इनको मल्टीप्लाई करवाने से ही आई है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से राइट करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स सिक्स प्लस एक्स थ्री वाई थ्री प्लस वाई सिक्स। तो यहाँ देखें, इसमें भी हमारे पास वो जो जनरल फॉर्मूले की तमाम टर्म्स कंप्लीट हो रही हैं, इन तमाम क्वेश्चन में हमारे पास वो टर्म्स पूरी हो रही हैं, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसमें भी एक्स क्यूब का क्यूब एंड वाई क्यूब का क्यूब हम राइट करवा देंगे। जब हम ये क्यूब लेंगे इसका एक्स क्यूब का और वाई क्यूब का, तो क्या आंसर आएगा, एक्स नाइन एंड वाई नाइन, क्योंकि क्यूब के ऊपर जब क्यूब आएगा दोनों आपस से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नाइन। अब ये जो पार्ट नंबर 3 है ये मैं आपको करवा देती हूँ, पार्ट नंबर 4 इसी जैसा है। इसमें हमने क्या करना है, आपको यहाँ पे अब मैनी ऑफ द ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं फिलहाल, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन ये क्या है कि सिर्फ हमने इसमें इनको रीअरेंज करवाना है। रीअरेंज करके हर ब्रैकेट दो ब्रैकेट्स मिला के जो है वो एक क्यूब का फॉर्मूला हमारा कम्प्लीट करवाएगी। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई, ये किसके साथ मैच हो रही है, ये थर्ड के साथ, एक्स प्लस वाई इसके साथ, और इसका पेयर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पेयर बनेगा लास्ट वाले के साथ। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इनको रीअरेंज करेंगे। हम देखेंगे एक्स माइनस वाई के साथ कौन सी ब्रैकेट मैच कर रही है, हमने फॉर्मूलाज देखे हुए हैं, हमें पता है कि एक्स माइनस वाई के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की टर्म मैच करेगी। अगर यहाँ स्टार्टिंग की ब्रैकेट में माइनस है तो एक्स वाई के साथ प्लस का साइन होना चाहिए, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऑब्वियसली एक्स वाई के साथ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। और ये यहाँ पे पावर 1 दोनों की 1 1 पावर वाले फॉर्मूला थे, और सेकंड हमारे पास क्या है इस ब्रैकेट में, पावर स्क्वायर हो रही है। अब ये स्क्वायर पावर के साथ लास्ट जो है वो ब्रैकेट मैच कर रही है, कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स फोर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई फोर, और मिडल में जो है वो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमने राइट कर दिए। इसको हम रीअरेंज करके राइट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने रीअरेंज करके राइट कर दिए हैं टर्म्स, और मैंने यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट का यूज़ किया है ताकि ये एक एक फॉर्मूला हमारा सेपरेट हो जाए। अब ये देखें, ये जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहाँ पे जस्ट हमें एक ही जो है वो गिवन था, इस तरह की फॉर्म हमें एक गिवन थी कि इसका हमें प्रोडक्ट निकालना था। यहाँ हमारे पास वैसी ही फॉर्म 3 times मतलब बन रही है 3 different ways में। यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, यहाँ दूसरा बनेगा, और यहाँ पर हम 3rd time इसको राइट करेंगे इसकी इन टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट में यहाँ दरमियान में माइनस है तो सिंपली हमने एक्स और वाई के ऊपर क्या प्लेस कर देना है, क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एक फॉर्मूला हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास प्लस के साथ यही फॉर्मूला आ रहा है, तो हम राइट करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और जो ये टर्म है यहाँ हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और प्लस, तो हमने इनको एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब राइट करना है। यहाँ पे हम लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ हमने नेक्स्ट अब देखना है कि या एक तो हमने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, और दूसरा हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि हमें ये पता है कि दो सेम टर्म्स अगर आ जाएं ब्रैकेट्स में, एक माइनस के साथ हो दूसरा प्लस के साथ हो, तो यहाँ हमारा एक और फार्मूला अप्लाई होता है। अगर आपको याद हो आपने स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि दो टर्म्स एक जैसी, एक में माइनस एक में प्लस, तो उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक माइनस है एक प्लस, तो हम इसको सिंपली क्या राइट करेंगे, एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको हम सॉल्व करवा लेते हैं, ये बनेगा एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स, और ये भी बनेगा हमारे पास एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें अगेन हमारे पास वही वाला फार्मूला जो ये वाला था ये बन रहा है, कि दो एक जैसी टर्म्स हैं,
सेम पावर है, सेम वेरिएबल्स हैं, दरमियान में सिर्फ प्लस माइनस का चेंज है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनका भी हम क्या बना देंगे, स्क्वायर एक्स सिक्स का स्क्वायर माइनस वाई सिक्स का स्क्वायर, इट विल बिकम एक्स ट्वेल्व माइनस वाई ट्वेल्व. दिस इज योर आंसर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.